Morning students, today we are going to start chapter number 3 and the name of chapter number 3 is Strawberry Supply. So here we are going to talk about one girl whose name is Prerna Yam. A girl ke bare mein baat karenge jiska naam Prerna hai aur Prerna जब लास्ट टाइम अपनी ग्रैंडमदर के घर अपनी ग्रैनी के घर विजिट किया था उसने तब उसने देखा था कि उसकी ग्रैनी ने स्ट्रॉबेरी प्लांट किया है तो वो तब से सोच रही थी कि अब जब मैं नेक्स्ट समर में ग्रैनी के पास जाऊंगी तो वो स्ट्रॉबेरी जो है वो तो ग्रो हो जाएगी वो रेडी हो जाएगी तो वो इस चीज़ का वेट ही कर रही होती है और एक दिन उसको एक पोस्ट कार्ड आता है जिसमें लिखा रहता है कि स्ट्रॉबेरीज इट्स स्ट्रॉबेरी टाइम तो वो समझ जाती कि इसका मीन्स स्ट्रॉबेरी रेडी हो गई है तो फिर वो क्या करती है वो अपनी ग्रैंड मदर अपनी ग्रैनी के घर में जाती है जो रहती हैं दार्जिलिंग में सो व्हेन शी विजिट देयर शी सॉ दैट स्ट्रॉबेरीज आर स्टिल ग्रीन तो वो देखती कि स्ट्रॉबेरी अभी रेडी नहीं हुई है स्ट्रॉबेरी अभी तक ग्रीन कलर की है स्ट्रॉबेरी का कलर क्या होता है रेड होता है सो वो अपनी ग्रैनी से बोलती कि ग्रैनी ये तो अभी तक ग्रीन है तो ग्रैनी उससे बोलती है कि अभी यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू डेज हम लोग थोड़े दिन और इंतज़ार करते तब तक वो रेडी हो जाएंगी तो वो डेली उसको इंस्पेक्ट करती है डेली उस चीज़ को देखती है कि वो ग्रो कर रही है कि नहीं और एक दिन फाइनली स्ट्रॉबेरी रेड हो जाती है और वो अपनी ग्रैनी से बोलती है अब हम इसे ब्रेकफास्ट में खाएंगे लेकिन ग्रैनी उसे मना करती थी ग्रैनी उससे बोलती कि फर्स्ट वी आर गोइंग टू मीट सीता पहले हम सीता से मिलेंगे सो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि सीता कौन है और हम पहले उससे क्यों मिलेंगे वो बहुत ही हरी में बहुत ही जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन पूछी तो ग्रैनी उससे बता ग्रैनी उसको सीता से मिलवाने लेके जाती है तो सीता होती है एक काऊ जो मिल्क देती है और हम इसके बारे में और अच्छे से स्टोरी में पढ़ने वाले हैं एंड एट द एंड वो क्या खाती है जो प्रेरणा रहती है उसकी ग्रैनी उसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खिलाती है और उसका जो प्रोसेस है वो हम पढ़ने वाले हैं वाइल रीडिंग द स्टोरी और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द हार्ड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स सो पहला वर्ड है इंस्पेक्टेड इंस्पेक्टेड वर्ड स्टोरी में यूज हुआ है उसका मीनिंग है लुक्ड क्लोजली मतलब बहुत ही घूर के देखना सेकेंड वर्ड इज स्क्विशी स्क्विशी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थर्ड वर्ड इज सैटिनी सैटिनी का मतलब होता है बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट स्मूथ एंड सॉफ्ट फोर्थ वर्ड इज क्रॉनी क्रॉनी का मतलब होता है बहुत ही पतला और बहुत ही कमजोर थिन एंड वीक फिफ्थ वर्ड इज प्लग प्लग का मीन्स होता है क्विकली रिमूव समथिंग मतलब बहुत ही जल्दी किसी चीज़ को रिमूव कर देना सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर वर्ड मीनिंग्स ये पांचों वर्ड मीनिंग्स आपको आपकी इंग्लिश कॉपी में लिखना है और कल हम स्टोरी को और अच्छे से लाइन वाइज रीडिंग करेंगे और अच्छे से समझेंगे अबाउट सीता अबाउट प्रेरणा एंड अबाउट ग्रैनी टिल देन यू हैव टू राइट दिस मीनिंग्स इन योर इंग्लिश कॉपी